हेलो दोस्तों, आपने कश्मीर के बोट हाउस के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन इस बार हम आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमने कश्मीर के बोट हाउस में जिया है। मैं कश्मीर के बोट हाउस के बारे में जितना आपको बता सकता हूँ उतना बताऊँगा। वहाँ का हीटिंग सिस्टम, वहाँ का रूम कैसा होता है, वहाँ का कॉस्टिंग और वहाँ का बहुत ही फेमस शिकारा राइड जो दिन में और रात में आप दोनों कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलो हम आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। कश्मीर के एयरपोर्ट पहुंचते ही आप सीधा डल लेक पहुंच सकते हो। डल लेक श्रीनगर का एक बहुत ही फेमस लेक है और वहां पे बहुत सारे हाउस बोट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। हाउएवर, मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप हाउस बोट्स पहले ही बुक कर लें, क्योंकि जो मेजर हाउस बोट्स हैं और सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाले हाउस बोट्स हैं और बड़े हाउस बोट्स हैं वो बहुत ही पहले बुक हो जाते हैं। तो अगर आप ऑन स्पॉट बुक करोगे तो हो सकता है कि आपको हाउस बोट्स आपके पसंद का ना मिले आपको। अगर आपने अपना बोट हाउस पहले ही बुक किया है तो आपको बोट हाउस तक पहुँचने के लिए जो शिकारा राइड होता है वो आपको फ्री मिलता है, और ये आपका पहला एक्सपीरियंस होता है डल लेक में ऑन शिकारा राइड, जो बहुत ही ज़्यादा सरीन एक्सपीरियंस है। हमने बहुत ही सारे फिल्मों में कश्मीर के शिकारा राइड्स को देखा है और वो जीते हुए वो एक्सपीरियंस करते हुए एक अलग ही मज़ा आता है। कश्मीर के जो बोट हाउसेज होते हैं वो स्टिल पोजिशन में होते हैं, मतलब कि वो हाउस बोट जो है पानी में मूव नहीं करते हैं, अनलाइक केरला के हाउस बोट्स जो पानी में भी मूव करते हैं। हमारा जो हाउस बोट है उसका नाम है न्यू गुलिस्तान पैलेस और एक काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा हाउस बोट था। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने बोट हाउस में, जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था। सो आप देख सकते हो, जैसे कि हर होटल में एक रिसेप्शन एरिया होता है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिसेप्शन एरिया यहाँ पे आपको बैठने के लिए, एंड यू कैन एंजॉय द व्यू हियर, सो ब्यूटीफुल। यू कैन यूज़ दिस एरिया टू क्लिक योर फोटोग्राफ्स एंड ऑल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू वेयर योर शूज़, यू नीड टू रिमूव योर शूज़ हेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा जो है अरेंजमेंट करके दिया हुआ है कि आप अपने शूज़ उतार के यहाँ पे उनके स्लीपर्स पहन सकते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड टू आवर ड्राइंग रूम, यू कैन कम विद मी। जैसे हमने एंट्री किया ड्राइंग रूम में, तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये देखने को मिली, आई थिंक दिस इज़ अ काइंड ऑफ हीटिंग सिस्टम जो कि आपको ड्राइंग रूम में थोड़ा गर्मी करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये वुड यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम जलाएंगे और शायद ये जो है ये इसका चिमनी जैसा काम करेगा, जिसमें से स्मोक जो है वो बाहर जाएगा। एंड ये जो एरिया है यहाँ से आपको जो है हीट मिलने वाली है, आई गेस, राइट। सो लेट्स मूव टू द अनदर एरिया विच इज़ द डाइनिंग एरिया हियर। ये भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं चारों तरफ, और बीच में एक डाइनिंग टेबल है। मे बी रात में जो डिनर होगा वो हमारा यहीं पे होगा, राइट। सो आगे बढ़ते, इसके आगे जो है हमारे रूम्स हैं, देर आर टोटल 4 रूम्स इन दिस बोट हाउस, एंड वी हैव अ स्मॉल किचन ओवर हियर जिसमें अभी हमें नहीं जाना है। आई गेस हमारा जो रूम है वो सेकेंड रूम है, दिस इज़ द फर्स्ट रूम। अभी तक कोई आया नहीं इस हाउस बोट पे, वी आर वेरी लकी, अभी हम सिर्फ अकेले हैं पूरे हाउस बोट पे। यहाँ पे सामने देखो खिड़कियाँ भी हैं, जिससे व्यू तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, नहीं, बट ये है कि आप सामने वाला बोट देख सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द रूम, हियर वी हैव आवर रूम, देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा रूम है, बहुत सुंदर रूम है। वी हैव 2 बेड्स हेयर, 1 डबल बेड और एक सिंगल बेड है। अगेन रूम को गर्म करने के लिए ये हीटिंग सिस्टम है, और उसके लिए हमें यहाँ लकड़ियाँ दी हुई हैं, राइट। और सोफ़ा है बैठने के लिए, वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेसिंग टेबल ओवर हेयर, ऐसा ये ड्रेसिंग टेबल मुझे अपने घर पर भी चाहिए, ठीक है। टीवी है, एवरी फैसिलिटी इज़ हेयर। हेयर वी हैव अ स्मॉल एरिया जहाँ पे आप अपने सूटकेस वगैरह रख सकते हैं, हमने फुली भर दिया है इसको अपने सामान से, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कबर्ड भी है, यू कैन पुट योर थिंग्स ओवर हेयर। सावन ने ऑलरेडी अपना जैकेट रख चुका है वहाँ पे। वी हैव बाथरूम हेयर, सरप्राइजिंगली वी हैव अ बाथटब भी है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इमेजिन नहीं किया था कि एक बोट हाउस में बाथटब मिलने वाला है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी इट हेयर। एंड यहाँ पे आपको हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों की ही फैसिलिटी मिलेगी। हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले थे इस बाथरूम के लिए, जैसे कि हॉट वाटर के लिए हमें 1-2 मिनट वेट करना पड़ता है, एंड क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है आने के लिए,
एंड सेकेंडली उन्होंने ये बोला था कि जब भी आप नहाओगे तो टब में ही नहाना, क्योंकि पानी अगर जाता है फ्लोर पे तो ये बोट को नुकसान दे सकता है. सो और बस इस तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शन मिले थे जो हमें फॉलो करने हैं, दैट्स इट. बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग वगैरह के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ऐसा नहीं कि आप फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते. इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा है यहाँ पे. इनफैक्ट सारे बोट्स में इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा है. तो यहाँ पे चार रूम्स में देखता हूँ कोई और रूम ओपन है कि नहीं है. अगर हम जाते हैं, काफ़ी लंबा कॉरिडोर है, बहुत बड़ा बोट है ये जो हमको दिया गया है. मैं देखता हूँ, ये आई गेस एक और बेडरूम है यहाँ पे. और फाइनली यहाँ पे एक और रूम है, आई थिंक ये फोर्थ रूम है. ये भी खुला हुआ है, आप देख सकते हो. ये कुछ ऐसा है, तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बोट है. इसमें चार बेडरूम्स हैं, किसी किसी में दो होते हैं, आई गेस सिंगल भी होता है, बट चार, क्योंकि अगर ये चार बेडरूम है, उसके आगे एक किचन है, उसके आगे ड्राइंग रूम है, फिर वेटिंग एरिया है, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा बोट होगा ये. तो ये बोट फ्लोटिंग है, लेकिन इसको इस तरीके से बांधा गया है कि ये स्टिल रहता है. तो लेकिन अगर ये पूरे बोट को अगर ये शिफ्ट करना चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं पानी में ही. अगर आप कश्मीर जाते हो तो आपको शिकारा राइड तो करना मस्ट है. चाहे आपने बोट हाउस बुक किया हो या नहीं किया हो, शिकारा राइड एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा. जब हमने बोट हाउस बुक किया था तो हमको एक शिकारा राइड फ्री मिला था. आप शिकारा राइड घंटों के हिसाब से भी बुक कर सकते हो. वो एक घंटे का लगभग 100 रुपये चार्ज करते हैं. आप शिकारा में घूमते घूमते ही बारबेक्यू चिकन का भी मज़ा ले सकते हो. साथ ही आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक बोट आया था जिसमें काफ़ी सारे सुवेनियर्स वगैरह थे, तो मैंने एक छोटा सा ये हाउस बोट, मिनिएचर हाउस बोट लिया था जिसमें मैंने अपना नाम भी लिखा था. डल लेक में शिकारा राइड करते करते आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग नज़ारे दिखेंगे. जैसे कि हमको ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस दिखा था, ये आई थिंक सो इंडिया का एक लौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है और ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था. उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्लोटिंग ओयो रूम्स भी मिल जाएंगे, जो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मेरे को. कुछ तो निकालो भैया. डल लेक में रात को शिकारा राइड करने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन अगर ज़्यादा सर्दी होती है तो ये शिकारा राइड आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी खड़ा कर सकता है. लेकिन ठंडी होने के बावजूद हमने शिकारा राइड रात को किया था और काफ़ी हमको मज़ा आया था. आप अपने शिकारा में घूमते घूमते ही डल लेक में नाइट मार्केट का मज़ा भी ले सकते हो. यहाँ पे नाइट मार्केट भी लगता है, जहाँ पे सारे टूरिस्ट वगैरह एक साथ आते हैं. वहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो और अपने टूरिस्ट होने का फ़ायदा उठा सकते हो. जो तो हमारा हाउस बोट नाइट टाइम में कुछ ऐसा दिखता है. वो मंजू है, कुछ पढ़ने का एक्टिंग कर रही है. ये बहुत ही सुंदर सुंदर शैंडलियर्स है दो. और हमारा जो जूते वगैरह है वो अंदर लाया है इन लोगों ने, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है और जूते भीग भी सकते हैं उसके वजह से, इसलिए जूते यहाँ रख दिए इन लोगों ने. और ये है हीटिंग सिस्टम यहाँ का. ये लकड़ी जो है वो जाता है इसके अंदर और यहाँ से स्टीम निकलता है, बहुत गर्म, काफ़ी रूम को पूरा गर्म कर देता है ये. और आई थिंक सो धुआ जो है वो जाता है यहाँ से बाहर, बोट के बाहर. ये है कॉरिडोर, रात को ऐसा दिखता है. और ये हमारा रूम, थोड़ा सा हम फैला चुके हैं इसको. और यही सेम हीटिंग सिस्टम है जो यहाँ पर भी यूज़ होगा. तो रात को सोने से पहले वो लकड़ी हम इसके अंदर डालेंगे. आई गेस हाँ ठंडा है, इसके अंदर डालेंगे लकड़ी और पूरा रूम हो जाएगा गर्म. क्योंकि अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ठंडी है. मैंने चार लेयर पहनाया आज पहली बार. हमने यहाँ पे कुछ डेकोरेशन के लिए सामान लेके आए हैं, आज एनिवर्सरी है तो केक भी काटेंगे होगा. मुझे बस ये फ़ैन को देख के थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर ये फ़ैन मैं ऑन करूँगा तो ये टकराएगा इस पोल से. तो आई गेस जो मुझे समझ में आ रहा है, ये समर्स को
यहाँ से ये वाला हिस्सा निकाल देते हैं, क्योंकि ये समर्स में यूज़ तो होता नहीं होगा, और फिर पंखा यूज़ होता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, ये सुबह के 7:30 बजे का नज़ारा है हमारे हाउस बोट से। बारिश हुई थी काफ़ी रात भर, आपको अभी भी थोड़ा बहुत बारिश दिख रहा होगा, और वहाँ पे आपको ओयो वाला हाउस बोट भी दिख रहा होगा जो आप ओयो के थ्रू बुक कर सकते हो। जब भी आप हाउस बोट बुक करते हो तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपके बुकिंग में डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड हो, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड नहीं करोगे, अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हो, तो ये आपको भारी पड़ सकता है। वापस जाते वक्त भी हमने दोबारा एक बार शिकारा राइड किया था, और इस जर्नी में हमको ये मेक क्वीन वाला हाउस बोट दिखा था जो सुपर लग्जरी हाउस बोट है। तो अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप ये सुपर लग्जरी हाउस बोट्स भी बुक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूँ, हाउस बोट का खर्चा मिनिमम 1000 रुपये से लेकर 5000 तक जा सकता है। 5000 में आपको डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड मिलेगा, और शिकारा राइड भी मिल जाएगा आपको। इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आई रियली होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। See you in the next video. Until then, keep traveling. कितने बोर्ड संख्या टोटल जाते हैं? हाउस बोर्ड 600 और शिकारा